recognize me? It's your favorite president? No, I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet. खुद की हार बर्दाश्त ना करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप लगातार लगा रहे हैं, लेकिन बिना किसी साक्ष्य के उनकी कानूनी टीम को इस संबंध में अभी तक कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है। यही नहीं, डेमोक्रेट के अलावा रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता भी ये मान रहे हैं कि चुनावों में कोई धांधली नहीं हुई है। लेकिन ये बात ट्रंप को कौन समझाए? कानूनी तौर पर कोई सफलता हाथ नहीं लगने के बावजूद ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन सहयोगी उन राज्यों में चुनाव परिणाम का प्रमाण पत्र जारी होने से रोकने या प्रक्रिया में देरी का प्रयास कर रहे हैं, जिन राज्यों में देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में निर्वाचित जो बाइडेन को सफलता मिली है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप के पास चुनाव परिणाम को बदलने या अपने पक्ष में करने का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन चुनावों में धांधली को लेकर बार बार किए जा रहे दावों से चुनावी प्रक्रिया में लोगों के भरोसे को कमजोर बना रही है। बल्कि ट्रंप जानबूझकर अपने समर्थकों के मन में ये भाव पैदा कर रहे हैं कि बाइडेन अवैध राष्ट्रपति चुने गए हैं। रिपब्लिकन पार्टीज ने जिन 6 राज्यों में चुनाव परिणाम को चुनौती दी है वो है एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नवादा, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। हालांकि धीरे धीरे इन राज्यों में फैसला ट्रंप के खिलाफ ही आ रहा है। अब राष्ट्रपति ट्रंप के चुनावी अभियान की टीम ने कहा है कि वो मिशिगन से मुकदमा वापस ले रहे हैं। उधर विस्कॉन्सिन चुनाव आयोग ने 2 काउंटी में डाले गए 800,000 से अधिक मतों की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर फिर से गिनती करने का गुरुवार को आदेश दिया है।